हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो जो अभी हमने हाउस वाला देखा था पिछला क्यूकार, उसी में जब आपने स्कूल चेंज किया हो तो वही है सेम। कब किया था, किसके साथ किया था, क्यों किया था, कहाँ गए थे और कैसा लगा था। सो थोड़ी बहुत स्टोरी वही है बस। अब उसमें पहले हमने घर चेंज का बताया था, यहाँ हम स्कूल चेंज का बताएंगे। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अगर आप कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच गाइज, इट रियली 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 मोटिवेट्स मी। सो नाउ लेट्स सी द वोकैब एंड इडियम्स आई हैव यूज्ड। गाइज कुछ एक वर्ड्स ऐसे रह जाते हैं जो मैं वोकैब में नहीं लिखती हूँ, वो मैं आपको एंड में ट्रांसलेशन में समझा दूंगी। सो लेट्स सी द वोकैब। विविडली मीन्स रिमेंबर, मतलब मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, कुछ अच्छे से याद होना। एंड टू एंड फ्रो मीन्स जब आप ट्रैवल करते हो, सेम डे पे आना जाना ट्रैवल करते हो, जैसे जो लोग जॉब करते हैं वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं किसी दूसरी सिटी में जो जॉब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो। एमिनेंट और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या कोई बहुत ही नामी गिरामी काइंड ऑफ थिंग। मेडल का मतलब होता है भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करना या कोई कुछ ख़राब नहीं करना चाहते हो आप जब, ठीक है। सो मेडल मीन्स डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब्ड और यू कैन से क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सम थिंग्स। सो नाउ लेट्स सी माई वर्जन ऑफ द क्यू कार्ड एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट। वेल, लाइक मैनी अदर चिल्ड्रेन आई टू हैड टू चेंज माई स्कूल इन माई चाइल्डहुड। एक्चुअली फ्रॉम माई प्री स्कूल टू टिल माई 8th स्टैंडर्ड आई स्टडीड इन द सेम स्कूल इन लुधियाना। बट वेन आई हैड टू गेट एडमिशन इन 9th स्टैंडर्ड माई फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू हिज मेन ऑफिस चंडीगढ़ एंड इट वॉज क्वाइट ट्रबलसम फॉर हिम टू डू टू एंड फ्रो फ्रॉम चंडीगढ़ टू लुधियाना। दस आई मूव टू चंडीगढ़ विद माई पेरेंट्स एंड आई हैड टू चेंज माई स्कूल देन टू। आई विविडली रिमेंबर दैट इट वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग फॉर माई पेरेंट्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव टू। However, their major concern was my admission, means to get me admitted in a prestigious school so that my study won't get middle and I feel comfortable. I don't know how, but they did manage to get a seat for me in a very eminent school. At first, I was very scared because everything was totally changed. I didn't had any friends there. Also, I was anxious because in my previous school, teachers were very lenient and helpful, but I wasn't know anything about the teachers of the school. But the experience on the very first day of the school was superlative because when I reached the school, my head teacher, Mrs. Kapoor, greeted me very well and she gave me assurance that she would be there to help me through my academic years. After that, she introduced me to my classmate and everybody was so welcoming. And on the very first day, I made two friends who are still my best friends. So the feeling of anxiousness turned into the feeling of happiness and excitement. Thus, that was the time when I changed my school. And overall, it was a good experience. Now let's see the translation. Well, काफ़ी सारे बच्चों की तरह मुझे भी अपने बचपन में स्कूल चेंज करना पड़ा है। एक्चुअली मैं प्री स्कूल से लेके, मतलब प्री नर्सरी से लेके 8th तक एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ लुधियाना में, पर जब मेरे को 9th में एडमिशन लेनी थी, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था चंडीगढ़ में और उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था कि वो रोज़ ट्रैवल करे चंडीगढ़ से लुधियाना, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ मूव हो गई थी और तभी मुझे स्कूल भी चेंज करना पड़ा था। मुझे अच्छे से याद है कि बहुत ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था मेरे पेरेंट्स के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना, और ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी था, एक्सपेंसिव भी था, मीन्स पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए थे इसमें। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। हाउएवर मीन्स पर उनका मेजर कंसर्न था मेरी एडमिशन, मतलब मुझे एक फेमस स्कूल में, प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस स्कूल में एडमिशन दिलवाना ताकि मेरी स्टडी ख़राब ना हो, मेडल मीन्स डिस्टर्ब ना हो और मैं कंफर्टेबल फील करूं। मुझे नहीं पता कैसे, पर उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्कूल में, एमिनेंट मीन्स बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल में मेरे लिए सीट मैनेज कर ली थी। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि पूरी तरह से सब चेंज हो गया था, मेरे कोई वहाँ दोस्त भी नहीं थे और मैं एंग्शियस मीन्स नर्वस, मैं नर्वस भी थी क्योंकि मेरा जो पुराना स्कूल था, प्रीवियस मीन्स पुराना स्कूल था, वहाँ पे टीचर बड़े लीनियंट थे, लीनियंट मीन्स ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे और बड़े हेल्पफुल थे, बट मुझे यहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। पर पहले दिन, स्कूल के पहले दिन ही मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा, सुपरलेटिव मीन्स बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है, वेरी गुड को बोलते हैं हम सुपरलेटिव।
क्योंकि जब मैं पहुंची तो मेरी जो हेड टीचर थी मिसेस कपूर, उन्होंने इतने अच्छे से ग्रीट किया मेरे को और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी, मतलब मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी हेल्प करेंगी पूरे एकेडमिक ईयर्स में जब तक मैं स्कूल में हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे क्लासमेट्स से मिलाया, सब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे, मतलब सब मुझसे खुश होकर मिले। और पहले ही दिन मैंने दो फ्रेंड्स बनाए जो आज तक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जो फीलिंग थी एंग्शियसनेस की, मीन्स नर्वसनेस की, वो खुशी और एक्साइटमेंट में बदल गई। तो ये टाइम था जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। ओके गाइज, दैट वॉज इट। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।